दोस्तों क्रिकेट के मैदान में जब गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए पैड पर जा लगे या फिर बल्ले को चूमती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में जा समाए, ऐसे सभी मौकों पर हमारी नजर सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर जा टिकती है, वो है अंपायर। दरअसल क्रिकेट के खेल में अंपायर की भूमिका काफी जरूरी है, क्योंकि वह सिर्फ शॉट्स या फिर आउट बताने के लिए नहीं होते बल्कि वह खिलाड़ियों के बर्ताव पर भी नजर रखते हैं और एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि वह पूरे खेल को ही रेगुलेट करते हैं। और दोस्तों खेल के दौरान फील्ड पर दो अंपायर मौजूद होते हैं, तो वहीं वीडियो रिप्ले करके फैसले लेने के लिए थर्ड अंपायर और गेंदों का ध्यान रखने के अलावा ऑन फील्ड अंपायर के लिए ड्रिंक्स लाने के लिए फोर्थ अंपायर्स भी काम में लाए जाते हैं। और दोस्तों पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही अंपायर्स भी अब कई सारे उपकरणों की सहायता लेने लगे हैं, और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनका उपयोग अंपायर्स क्रिकेट के मैदान पर अक्सर करते हुए दिखाई दे जाते हैं। जैसा कि सबसे पहले बॉल्स की गिनती करने वाला काउंटर डिवाइस। मेरे ख्याल से इस डिवाइस को देखकर आप यह जान ही गए होंगे कि आखिर इसका काम क्या है। दरअसल इस उपकरण के बनने से पहले अंपायर ओवर्स की गेंदों को गिनने के लिए 6 सिक्कों या फिर पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस डिवाइस के आने के बाद अब गेंदों को गिनना हो, ओवर्स को गिनना हो या फिर विकेट्स का ध्यान रखना हो, हर चीजों के लिए ही अलग अलग बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिंकोमीटर नाम का डिवाइस भी सही फैसला लेने में अंपायर्स की खूब मदद करता है। दरअसल यह डिवाइस विकेट के पीछे कॉट बिहाइंड के अपील को रिव्यू करने के लिए लिया जाता है, और सिंकोमीटर डिवाइस स्टंप में लगे हुए हाई फ्रिक्वेंसी छोटे माइक की सहायता से काम करती है। एक्चुअली थर्ड अंपायर स्लो मोशन टेलीविजन रिप्ले का उपयोग करते हुए ग्राफ के स्पाइक की मदद से यह फैसला लेते हैं कि बॉल कहां पर टच करते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची है, और इस तरह से अंपायर सही फैसला देने में कामयाब हो पाते हैं। और दोस्तों आजकल अब बहुत सारे अंपायर्स प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। वैसे कुछ समय पहले तक तो सिर्फ आर्मी या फिर पुलिस वालों को ही इस तरह के चीजों का इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा था, लेकिन जब से क्रिकेट के फील्ड पर भी हादसे बढ़ने लगे हैं तभी से खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर्स भी खुद के सुरक्षा में कमी नहीं चाहते। दरअसल भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा हो या फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज, यह सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैदान पर लगे खतरनाक चोट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा कई सारे अंपायर्स भी चोट की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए अब अंपायर्स को भी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जो कि तेजी से उनकी तरफ आने वाले गेंदों से उनकी रक्षा करती है। और दोस्तों इसी तरह से ही बॉल गेज का इस्तेमाल भी अब किया जाने लगा है। दरअसल क्रिकेट के खेल में बैट बॉल हो, स्टंप हो या फिर क्रीच, सभी एक स्टैंडर्ड साइज के होते हैं, और इसी कड़ी में ही गेंद भी जब काफी पुराना हो जाता है तो इसके शेप में बदलाव आने लगता है। और दोस्तों पहले तो अंपायर्स अपने हाथों में गेंद को लेकर खुद ही देखते थे कि गेंद बदलने के लायक है या फिर नहीं, लेकिन अब इसका भी सरल उपाय बॉल गेज को बनाकर कर दिया गया है। इसमें डालकर देखा जाता है कि बॉल के शेप में कितना बदलाव आया है और यह खेल के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या फिर नहीं। और दोस्तों इन सब के अलावा अब लाइटोमीटर भी काफी इस्तेमाल किया जाने लगा है। दरअसल लाइटोमीटर, इसके नाम से ही आप इसके काम का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल यह डिवाइस मैदान पर मौजूद लाइट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खासकर टेस्ट मैचों में इसका उपयोग भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपने यह तो देखा ही होगा कि ऑन फील्ड अंपायर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके थर्ड अंपायर से बात करते हैं। हालांकि यह टेक्निक भी अब काफी एडवांस हो चुका है और बहुत सारे अंपायर्स वायरलेस हेडफोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि क्रिकेट के फील्ड पर अंपायर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।